हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस के स्टडी चैनल। सो गाइस, आज हम लोग जीरो टू हाई लेवल स्टार्ट कर रहे हैं आज से नंबर सिस्टम से, ठीक है गाइस। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे मैं बोल सकता हूँ, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीजीएल का तो ये हाल है, अगर प्री में देखोगे तो 3 क्वेश्चन पूछेगा, और अगर आप मेंस में देखो तो आपको 9 से 10 क्वेश्चन पूछेंगे। एसएससी के हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, इस चैप्टर से भर भर के आता है। अदर्स एग्ज़ाम जो होते हैं, सीडीएस हो गए, रेलवे हो गए, ठीक है, फिर तुम्हारा बैंक हो गया, बैंक तो नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बैंक का भी ये फेवरेट चैप्टर है, ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है बैंक, ठीक है। तो मैं गाइस जीरो से हीरो लेवल कराऊंगा, हाई लेवल कराऊंगा एकदम नंबर सिस्टम में, ठीक है। आपको कहीं पे भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मैं कराऊंगा। बस पेशेंस बनाए रखना, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, लगभग 200 से 200 के आसपास क्वेश्चन मैं कराऊंगा नंबर सिस्टम, और हर टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा गाइस। इसमें जितने भी नंबर सिस्टम में बहुत टाइप्स हैं गाइस, बहुत टाइप्स, ठीक है, हर एक टाइप्स मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की आप बाल के खाल निकाल दूंगा यहाँ पे, ठीक है। जीरो से एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थ्योरी पार्ट पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कवर करेंगे, ठीक है। अब ऐसा मत समझना गाइस, थ्योरी पार्ट हम लोग अगर कर रहे हैं तो थ्योरी पार्ट तो आते नहीं, थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस। आपको पूछेगा कि ट्विन प्राइम क्या होता है, ऑप्शन दे देगा चार, ट्विन प्राइम क्या होता है पूछेगा, ठीक है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर आते हैं, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं गाइस, ठीक है। अगर अगर किसी बच्चे ने अगर आपसे पूछ लिया ना गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में क्या डिफरेंस है, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, ठीक है, इंटीजर रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये सब पूछ लेगा, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो और कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसका चैप्टर का बेसिक आपको आना चाहिए। तो बेसिक के लिए आपको क्या, इसमें थ्योरी पार्ट पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी पार्ट पढ़ लिया, फिर उसके बाद हम लोग जहाँ पे मुझे लगा जिस थ्योरी पार्ट में मुझे लगा एग्जांपल देना है वहाँ पे मैं एग्जांपल देके भी समझाऊंगा। जब थ्योरी पार्ट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा गाइस, तब आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाना, सॉल्व करना और देखना कि 100% सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं। मैं गारंटी दे के बोल रहा हूँ गाइस, 100% सॉल्व होंगे आपसे, ठीक है। आपको कहीं जाने की नहीं, आर एस अग्रवाल से मैं इसलिए नहीं कराया गाइस, क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं है, ठीक है। कंप्लीट तो कोई भी चैप्टर नहीं है, ठीक है, वो खाली बेसिक एग्जाम क्लियर करने के लिए। बट आपको जीरो टू हाई लेवल करना है तो गाइस मैं करा रहा हूँ। अब यहाँ से पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम से, ठीक है। चलो अब पहला बेसिक नंबर, बेसिक पहला बेसिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर है नंबर सिस्टम, ठीक है। चलो अब देखो गाइस, पहला क्या, सबसे पहले नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ गाइस एकदम, ठीक है। नंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे दो ही टाइप्स के नंबर होते हैं, पहला या तो एक रियल नंबर होता है, ठीक है गाइस, एक को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर और दूसरे को बोलेंगे इमेजिनरी नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे गाइस, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब गाइस अब आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रियल नंबर का मतलब होता है कि नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स होते हैं उनको रियल नंबर कहते हैं। क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, नंबर्स इन अ नंबर लाइन इज रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, ये अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि रियल नंबर क्या है, सीधा सीधा बोलना कि नंबर इन अ नंबर लाइंस इज रियल नंबर, या हिंदी में बोलना तो ये भी बोल सकते हैं, नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम बता दे रहा हूँ, ये मान लो ये स्केल है, ठीक है, इसी में नंबर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखते हो, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। और जीरो के इस तरफ क्या होता है, -1, -2, -3, -4, ठीक है, डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो ये हुआ गाइस नंबर लाइन, ठीक है। मतलब कोई भी, चाहे वो माइनस में हो या जीरो हो या फिर
आपका प्लस में हो, ठीक है। तो ये होते हैं नंबर लाइंस, समझ में आ रहा है गाइस? ठीक है गाइस, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है ठीक है। अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो कमेंट कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ गाइस क्या रियल नंबर का डेफिनेशन। अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर पढ़ते हैं कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर का मतलब डेफिनेशन होता है कि इमेजिन नंबर क्या होता है, स्क्वायर रूट जो होता है उसका जो नेगेटिव नंबर होता है, स्क्वायर रूट का जो भी नेगेटिव नंबर होगा उसको बोलते हैं इमेजिन नंबर। जैसे रूट माइनस सेवन, रूट माइनस फिफ्टीन, रूट माइनस ट्वेंटी सेवन, ये होता है, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, ऐसे लिखो इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर इज अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। ये सिंपल सा डेफिनेशन था, ठीक है। मतलब कोई भी स्क्वायर रूट का जो नेगेटिव स्क्वायर रूट जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो एग्जांपल क्या होगा, ठीक है, जैसे रूट माइनस सेवन हो गया, रूट माइनस अभी जो मैंने दिया था एग्जांपल, रूट माइनस फाइव हो गया, रूट माइनस ट्वेंटी सेवन हो गया, ठीक है। अब गाइस इमेजिन नंबर में एक और चीज़ देखना, ठीक है, कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, इसको बोलते हैं गाइस, ये आई की तरह दिख रहा है तो इसको बोलेंगे आयोटा, ठीक है, ए आई सॉरी आई ओ टी ई ए, आयोटा। आयोटा का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। आयोटा का मतलब क्या होता है, एक इमेजिनरी नंबर। और आयोटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन, क्या होता है, रूट ओवर माइनस वन होता है। आयोटा का वैल्यू क्या होता है, रूट माइनस वन। तो अगर मैं रूट माइनस सेवन को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, रूट सेवन इंटू रूट वन लिखूँगा, रूट माइनस वन लिखूँगा। रूट सेवन का मतलब तो यही ना होता है गाइस, रूट सेवन इंटू रूट माइनस वन, ठीक है। अब इसको मैं कैसे मैं क्लेरिफाई करूँगा, ठीक है, रूट सेवन को मैं कैसे क्लेरिफाई करूँगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट सेवन। और अभी हमने बताया था रूट वन, रूट माइनस वन का वैल्यू क्या होता है, आयोटा होता है। तो यहाँ पे मैं आयोटा लिख दूंगा, तो बस अगर रूट सेवन, अगर रूट सेवन को मुझे, अगर मेरे को रूट सेवन का वैल्यू चाहिए तो रूट सेवन आयोटा होगा, अगर रूट सेवन आयोटा का वैल्यू चाहिए तो माइनस रूट सेवन होगा। तो ये हुआ गाइस ये इमेजिनरी नंबर हुआ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, ठीक है। नंबर्स दो होते हैं, रियल्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जब भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को जोड़ते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, क्या एक, इसका मतलब होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब मींस रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को जब हम जोड़ेंगे, नंबर को जोड़ेंगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। अब एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर मैं एग्जांपल दूं तो कोई भी एक रियल नंबर हो, सपोज ए, ए मेरा एक रियल नंबर है और बी आयोटा, ठीक है, ये मेरा एक क्या है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये है, ये मेरा रियल नंबर है और ये मेरा क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, नंबर है। तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। ये मैंने ए बी के टर्म में बताया, अगर मैं नंबर्स के टर्म में बताऊँ तो थ्री प्लस टू आयोटा, ये क्या हुआ एक, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ठीक है। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स, सॉरी इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। एक और एग्जांपल दूंगा तो ये हो जाएगा सेवन, ठीक है, माइनस फाइव आयोटा, ठीक है। तो इसमें ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ये क्या हुआ, इमेजिनरी नंबर हो गया, इसमें ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। ये गाइस कितना सिंपल है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, किस कोई भी पूछेगा आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या तो बोल देना कि जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर से मिलकर बनता है उसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अब एक और चीज, हमने अब तक पढ़ा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अब पढ़ते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, रियल नंबर
ये भी क्या होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला पहला होता है इंटीजर, ठीक है। यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक सेकेंड गाइस, इसको भी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो एक होता है इंटीजर और एक को बोलते हैं डेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल क्या होता है पता है, जो नंबर्स, ठीक है, जो जीरो से जो नंबर्स होते हैं, जो जीरो से नाइन तक आते हैं, ठीक है, मतलब टोटल नंबर, जैसे कोई भी नंबर्स होते हैं टोटल नंबर्स में जो भी पॉइंट आता है, ठीक है, उसको डेसिमल, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। जैसे जैसे 73, अगर मैं बोलूँ डेसिमल वाला नंबर क्या होता है, 73.16 ले लो, या फिर 6.16.333 ले लो, तो पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स होते हैं वो डेसिमल होते हैं, इनको वो डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि डेसिमल्स क्या होते हैं। तो गाइस आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। पहले हम लोग डेसिमल पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीजर पढ़ेंगे। अब डेसिमल देखो, डेसिमल भी दो टाइप्स के होते हैं क्या, अब डेसिमल भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप, पहला होता है टर्मिनेटिंग, एक बोलते हैं टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और दूसरे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके। अभी टर्मिनेटिंग क्या होता है गाइस, ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है बताता हूँ, ध्यान से समझना। वो नंबर जो कोई भी नंबर पॉइंट के बाद, कोई भी कितना भी नंबर हो लेकिन एक लिमिट हो, मतलब कहीं पे ना कहीं जा पे ख़त्म हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ टर्मिनेटिंग नंबर्स का, जैसे पहला क्या है, जैसे कोई भी एक मैंने जीरो लिया, जीरो के बाद मैंने 4, 2, 3 लिया, 4, 3, 3, 4, 3, 5 लिया, 5 के बाद देखो ये एंड हो गया, ठीक है, 5 के बाद देखो यहाँ पर ये एंड हो गया, तो ये क्या है, 5 के बाद यहाँ पे ये एंड हो गया, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर। अगर एक और नंबर लूँ 1.375, देखो ये 5 पे एंड हुआ। अगर मैं एक और नंबर लूँ, ठीक है, 0.68459, ठीक है, देखो ये 9 पे ख़त्म हो गया। तो एक ऐसा नंबर, ठीक है, टर्मिनेट नंबर उसको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। अब देखो, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या आता है, ठीक है गाइस, इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला पहला होता है रिपीटिंग, ठीक है, ये एक होता है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, और दूसरा होता है, और दूसरा होता है क्या होता है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग, ओके गाइस, स्पेलिंग गलत हो गया गाइस, सॉरी, इसको पी कर लेते हैं, अच्छा इसको पूरे ही काट लेते हैं, ठीक है, रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कंटिन्यूस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, एक ही नंबर रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देता हूँ रिपीटिंग का आपको एग्जांपल, यहाँ पे देता हूँ, ये है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग का एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। रिपीटिंग कैसा नंबर होता है जो कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, जैसे मान लो मैंने ले लिया 0.333333, ये देखो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, ये एंड नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब ये रिपीट, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है, 333। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.3 का बार, ठीक है। अगर और एग्जांपल देना चाहूँ तो और एग्जांपल भी है मेरे पास, ठीक है, जैसे 0.676767, ये 7 होगा गाइस, 6767, ठीक है, ये चलता जा रहा है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.67 के ऊपर बार, क्यों 67 के ऊपर, क्यों, क्योंकि ये 6767 चलता जा रहा है, 6767 ये कल अनलिमिटेड है ये गाइस, ठीक है, चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, ठीक है। अगर मैं एक और दूँ लास्ट, ठीक है, जैसे 0.11891891189, ठीक है, देखो चलता जाएगा, ठीक है, इसका भी कोई एंड नहीं है, रिपीट हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, 0.189 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये हुआ गाइस क्या, ये हुआ मेरा रिपीटिंग
नॉन टर्मिनेटिंग सॉरी रिपीटिंग हाँ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। अगर मैं अगर नॉन रिपीटिंग, ये तो हुआ रिपीटिंग का, अगर मैं नॉन रिपीटिंग देखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब नॉन रिपीटिंग क्या होते हैं गाइस, ये नंबर क्या होता है, जैसे यहाँ पॉइंट के डेसिम पॉइंट के बाद जो जितने भी डेसिमल आते हैं ये तो क्या रिपीट होते हैं, बट नॉन रिपीटिंग में क्या होता है, ये इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, ये चलता जाएगा। जैसे मैंने मान लो ले लिया 7 8 6 0 5 4 3 2 8 1 2 2 1 8 4 6, देखो ये चलता जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, ये ना ही ख़त्म होने वाला है, ये बस चलता जाएगा, ठीक है, जितना भी मल्टीप्लाई करोगे चलता जाएगा, ठीक है गाइस, समझ में आया, ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो गाइस बहुत ही अच्छे से क्लियर एकदम स्टेप टू स्टेप समझा रहा हूँ, बहुत ही आराम आराम से समझा रहा हूँ, अगर फिर भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसमें नहीं समझने, ये तो क्लास 4-5 की चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी तक बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ और मेरे को स्टार्टिंग में बोलना था जो मैं बोलना भूल गया, तो गाइस मैं जो ये 0 to 5 level करा रहा हूँ ना, इसके लिए आप कोई मतलब मजाक मत समझिएगा, ठीक है, मैं पहले बोल दे रहा हूँ प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक 400 pages की कॉपी खरीद लो, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है, 400 pages की कॉपी खरीदो, नंबर सिस्टम दो, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप या तो वैसे भी लिख सकते हो या फिर अपना ओन तरीका जो आपको बेस्ट लगे, जिस तरीके से हाँ नहीं मेरे को ऐसे लिखने से ज़्यादा समझ में आएगा तो आप वैसे ही लिखो, ठीक है, समझ में आया गाइस, चलो। लेकिन नोट्स आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, ठीक है, तो जब आप कॉपी देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ चलो ये ऐसा था, एक बार में समझ में आना चाहिए, ठीक है, बार बार आपको क्या है वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे नोट्स खोलोगे, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो जब आप देखोगे अच्छा ऐसा था, ठीक है, समझ में आ गया, अब आपको दोबारा नोट्स नहीं देखना, ठीक है, समझ में आ गया गाइस, हाँ जब नोट्स बनाओगे जब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तब आप बार बार देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार नोट्स आपका कंप्लीट हो जाए जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है, तब आपको बस एक बार देखना है नोट्स, देख के ही आपको बस समझ में आ जाना चाहिए, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया गाइस, चलो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे, अभी नेक्स्ट हेडिंग देंगे, ठीक है, क्या देंगे, ठीक है, हमने पढ़ लिया गाइस नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर आता है रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, अभी नेक्स्ट हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, यहाँ लिखेंगे एक सेकंड गाइस, तो गाइस अभी हमने हेडिंग क्या दिया है, नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है, अब ये क्या है, ठीक है, जैसे एक नंबर है 0.17, ठीक है, 0.17, अब ये देखो 0.17 है ना, इसको भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग डेसिमल है, क्यों, क्योंकि 7 के बाद 0000000000 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या होगा 17/100 होगा, और पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट होता है डेसिमल होता है उसके बाद कितना भी जीरो लगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए जब हम पॉइंट हटाएंगे तो 2 0 आएगा, समझ में आएगा इस, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ये जो होता है, हाँ तो एक सेकंड गाइस रुकना, हाँ तो गाइस जो मैंने बोला वही चीज़, ठीक है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक है डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद कोई मतलब दो कोई जितने भी जीरो लगा कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है, तो ये भी क्या है नॉन रिपीटिंग, इसको मतलब इसको रिपीटिंग ही बोलते हैं, ठीक है, और जैसे कोई एग्जांपल दूं, ठीक है, 0.33 पहले जो दिया था, ठीक है, ये भी क्या है गाइस नॉन रिपीटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है ये रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 1/3 क्यों होगा गाइस, 1/3 ये 1/3 होगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो ये नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा गाइस, ठीक है, अगर यहाँ से जितने भी हैं अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 100 100 100 इस तरह करके चलेगा, ठीक है, वैसे इसको 0.3 बार को हम लोग कैसे लिखते हैं 1/3 ही लिखते हैं, ठीक है, अब इसको लिखेंगे 0.67
6 7 6 7 6 7 चलता जा रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.67 बार। ठीक है, अब इस बार को हटाएंगे। अब देखना गाइस, जितना इसको हम लोग कैसे, अगर हमको इसको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे गाइस, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये कैसे आएगा, ये कितना है गाइस, पॉइंट के पास क्या है, 6 7, कितने किसके ऊपर बार है, 6 7 के ऊपर बार है तो 6 7 लिख दो। कितने नंबर के ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार है तो 2 00 sorry 99 लिख दो। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अभी 0.189 189 और 189, ठीक है, डॉट 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 चलता जा रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.189 के ऊपर बार। अगर इसको हमको लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में 189 है, 189 लिख दो। कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर, तो 39 लिख दो। ठीक है, समझ में आया, तो हमको अगर बार हटाना है तो हम इस तरह करके हटाएंगे बार, समझ में आया गाइस, चलो। ठीक है, और ये जो 0.13 है, ठीक है, ये 0.3 के ऊपर बार है, तो ये 13 कैसे आएगा, सीधी सी बात है गाइस, ये 3 है तो 3 ऊपर लिखा, कितने नंबर के ऊपर बार है, 1 नंबर के ऊपर बार है तो 1/9 लिखा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा ना, इसको काटेंगे तो 1 आया 3, तो इसलिए हम 0.3 के ऊपर जो बार आता है इसको हम 1/3 ही लिखते हैं, समझ में आया गाइस, चलो। अच्छा, ये जो कराया, इसका कराने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान से समझना गाइस, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, वो हमेशा p/q के फॉर्म में होते हैं। देखो, ये भी p/q के फॉर्म में, 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 बट याद रखना जो q होगा वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये जो p and q है ये हमेशा, ठीक है, ये और ऑलवेज इंटीजर होंगे, ये ठीक है, इंटीजर्स होंगे। ठीक है, p and q क्या होगा, ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, समझ में आया गाइस। ठीक है, तो ये जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं वो क्या होता है, p/q फॉर्म में होता है, समझ में आया गाइस। और एक और चीज गाइस, यहाँ से एक और चीज है बताने के लिए, कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को हम लोग रैशनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग इज नोन एज, ठीक है, रैशनल नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या है, p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी देखूं, कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ले लूं, ठीक है, 0.125 ले लिया, ठीक है, अगर इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज करूंगा तो ये कितना आएगा, 1/8, इसको सॉल्व करोगे तो 1/18 आएगा गाइस। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 3 जीरो करेंगे, काटेंगे तो 1/80 आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, 0.7777, ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा तो ये कितना आएगा गाइस, ये 7/9 नहीं आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे सेम इसी तरह ये 7/9 आएगा, तो ये क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये p/q फॉर्म में ही है, क्या ये p/q फॉर्म में ही है। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कोई भी, मतलब प्रोफेशनल टीचर की तरह नहीं, जैसे कोचिंग में सिखाया जाता है उस तरह नहीं सिखाया जा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है वैसे ही समझा रहा हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको बार बार रिवाइज कीजिए, मतलब बैक करके देखना, ठीक है, जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बना के चलना कि ये चीज ऐसे होगा, ये चीज होगा। ठीक है, ये क्या है गाइस, ये बेसिक है, ये जो चीज, मतलब ये आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, कि ये किसको बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी थ्योरी से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और बच्चे क्या होते हैं, उनको पता नहीं होता। ठीक है, वो तो सिर्फ धराधर क्वेश्चन मारने में लगे रहते हैं। ठीक है, कभी तो थ्योरी पार्ट पढ़े नहीं। ठीक है, ये आपको पढ़ना नहीं, बस आपको 2-3 बार रीड कर लेना है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम जब रिवीजन करते हैं तो एक दो बार फिर से रिवाइज मार लीजिएगा। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, और ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मजाक की बात नहीं है गाइस। ठीक है, अगर आप मजाक में ले रहे हो ना तो मजाक में मत लेना है। ठीक है, ऐसे नहीं मैं 0 to high level करा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब इसके बाद पढ़ते हैं।
तो गाइस हमने नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग नंबर पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं गाइस, क्या एक सेकंड रुकना। अब हम क्या पढ़ेंगे गाइस, जो भी नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, ये कभी भी गाइस पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या गाइस, पी बाई क्यू फॉर्म में इसको हम कभी नहीं लिख सकते। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, देखो अब आप खूब बताओगे, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, क्या एग्जांपल लिखता हूँ, 0. गाइस दिख रहा है आपको, हाँ 0.987340, ठीक है 340 526143 कुछ भी लिख दे रहा हूँ गाइस, ठीक है, डॉट 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 डॉट। अब मुझे आप खुद बताओ, क्या ये पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है, कैसे लिखोगे अगर पॉइंट हटा के, ठीक है, नीचे जिस पॉइंट का जितने भी डेसिमल है, अब आप जीरो लगाते जाओ, कितना जीरो लगा, ये तो इन्फिनाइट है, ठीक है, ये तो नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो चलता जाएगा, जैसे आपको डेफिनेशन मैंने पीछे बताया था, ठीक है, पहले बता दिया था, ठीक है। तो कभी भी नॉन रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्लियर हुई बात मेरी। चलो अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की, ठीक है, यहाँ लिखते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, ये इरेशनल नंबर क्या होता है, ये भी इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सेम होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल की तरह होता है, ठीक है। जैसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसी तरह इरेशनल नंबर को भी हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अच्छा गाइस एक चीज़ और, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म मतलब समझ रहे हो क्या, ठीक है, मैंने तो बोल दिया पी बाई क्यू, मतलब आपको समझना है पी बाई क्यू फॉर्म मतलब क्या। जैसे कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, जैसे 2/5 हो गया, ठीक है, 7/11 हो गया, इस तरह से, ठीक है, समझ में आ रहा है, 2/5 में नहीं, इसको बोलते हैं पी बाई क्यू, ठीक है। देखो क्यू मेरा जीरो भी नहीं है, ठीक है, तो दोनों देखो इंटीजर है, ठीक है। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये सेम होता है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल की तरह, इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्या पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, या फिर कैन नॉट बी रिटर्न हैज पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटर्न एज पी बाई क्यू फॉर्म, इस तरह करके आप लिख लेना है। जैसे आप मेरे को आप खुद बताओ, ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे बताओ क्या 2√2 ये एक इरेशनल नंबर है, क्या आप इसको लिख सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है, लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ठीक है, रूट टू को अगर आप ब्रेकअप करोगे, ठीक है, तो इसका वैल्यू पता क्या होता है, रूट टू का 1/414 चलता जाएगा, ठीक है, ये इनफिनाइट है, इसका कभी भी एंड नहीं होने वाला, ठीक है। एक और इरेशनल नंबर देता हूँ, ठीक है, 3√, ये भी एक इरेशनल नंबर है, अगर इसको आप लिखोगे, ठीक है, तो ये किस तरह लिखेगा, 1.732, ठीक है, इस तरह करके और इस तरह करके चलता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है गाइस, ये देखो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ठीक है, समझ में आया गाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तो गाइज़ ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद कहीं प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम होगा गाइज़, ठीक है, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ये चीज़, थ्योरी पार्ट क्या होता है गाइज़, आपको मतलब थ्योरी पार्ट क्या है, ज़्यादा समय तक दिमाग में नहीं रहती, क्यों नहीं रहती, क्योंकि हम थ्योरी पार्ट ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, थीके? और ये शायद आपने स्कूल में पढ़ा होगा बट अभी आपको याद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो क्लास 4, 5, 6 की बातें हैं, ठीक है, 7 की बातें हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा बट आप इसी चीज़ को ज़्यादा मतलब ज़्यादा मोर टाइम्स इसको देख लोगे, ठीक है, तो क्या है बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कि इरेशनल नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होती है, नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो ये आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना पढ़ लिया नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग पढ़ लिया, नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ लिया, अब एक चीज़ याद रखना, ठीक है, अगर कोई नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है तो वो किसी प्राइम नंबर का या फिर किसी खतरनाक नंबर का अंडर रूट होगा, समझ में आएगा, ठीक है, खतरनाक नंबर का अंडर रूट होगा, ठीक है।
अगर होता है, सपोज मान लो किसी प्राइम नंबर या किसी खतरनाक नंबर का अंडर रूट होता है, तो वो जिसका परफेक्ट मतलब उसका कोई भी परफेक्ट मतलब परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है। नहीं समझ में आया, फिर से बोल रहा हूँ। सपोज मान लो कोई एक नॉन, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ठीक है, जैसे मान लो नॉन, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। अगर ये, ठीक है, अगर ये किसी भी प्राइम नंबर, ठीक है, कोई भी एक प्राइम नंबर, ठीक है, या फिर किसी भी खतरनाक मतलब समझ लो किसी खतरनाक नंबर का अंडर रूट हो, तो उसका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, जैसे प्राइम नंबर ले लेता 11, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 11, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी मतलब जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं, ठीक है, अगर वो कोई भी प्राइम नंबर का अंडर रूट हो या फिर कोई भी खतरनाक नंबर देखने में खतरनाक लग रहा हो, ठीक है, मतलब प्राइम टाइप कुछ लग रहा हो, ठीक है, खतरनाक बड़ा नंबर लग रहा हो, ठीक है, तो वो कभी भी, ठीक है, उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। कभी क्या आप बोल सकते हैं 11 का कोई परफेक्ट स्क्वायर आएगा? नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने तुमको कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने तुमको दिखाया 3, ठीक है, कोई परफेक्ट स्क्वायर होता है? 2 के परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है, ठीक है। चलो एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, ठीक है, आपको बताना था इरेशनल नंबर पाई जो होता है ना गाइस, पाई, ठीक है, पाई भी एक क्या है, ये पाई ये भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कैसे, अब आप बोलोगे कैसे, ठीक है, बता देता हूँ कैसे। आप बोलोगे कि क्यों पाई को तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, 22/7, ठीक है, ये तो पाई का वैल्यू होता है। पाई का वैल्यू पता है P/Q फॉर्म का मतलब पता है क्या होता है? ठीक है, मतलब जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना, एक टाइम पे आके क्या है वो कट जाएगा, मतलब उसका एंड होना चाहिए। बट अब अगर 22/7 करते हो, मतलब 7 को 22 से डिवाइड करो, आप करके देखना, यहाँ मैं करके नहीं दिखाऊंगा, आप खुद से करके देखना, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, ये कटेगा ही नहीं, ये चलता जाएगा अनलिमिटेड, कितना भी डिवाइड करो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता ही जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइट तक, ठीक है। बट हम लोग इसलिए लेते हैं, हम लोग पी का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो हम लोग यही लेते हैं, ठीक है, 22/7। आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसको इसका वैल्यू आएगा 3.14, ठीक है, समथिंग चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है, इसका कोई भी एंड नहीं है, ठीक है। पाई का हम ये क्या करते हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ठीक है, पाई का जो ये जो होता है ये अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे तो 3.1416 चलता जा रहा है चलता जा रहा है। समझ में आया गाइस कि नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो रिपीट कर लेना, ठीक है, बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। एक चीज़ और आपको यहाँ पे इरेशनल नंबर में समझा देता हूँ, इरेशनल नहीं, अलग से ही समझा रहा हूँ, ठीक है, इरेशनल नंबर का पार्ट नहीं है ये। जो जीरो होता है ना गाइस, अगर हम कोई भी एक नंबर है, सपोज कोई भी नंबर एक्स है और बाई जीरो, जीरो से डिवाइड करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना, ये भी इन्फिनाइट आएगा, ठीक है।